आ रही है गधे। मातेश्वरी तनोत राय मंदिर के बैक साइड में ढोरों में गधे विचरण करते हुए इधर बकरियों के झुंड विचरण करते हुए खेजड़ी का पेड़ साइड में पुलिस स्टेशन आगे ही तरनोट माता मंदिर दूसरे तरफ जैसलमेर और किशनगढ़ का बोर्ड पुलिस थाना तरनोट जिला जैसलमेर गाय विचरण करते हुए ये गायें जो है पालतू हैं क्या? नहीं हाँ, मैंने दूध दूध निकालते हैं इसका, दूध निकालते होंगे दिन में छोड़ देते होंगे। माँ तनोत भगवती का मंदिर इधर ही शहीद स्मारक ये बस जालौर डिपो की है श्री मातेश्वरी तनोट राय तक आती है भया रामगढ़ फतेहगढ़ सिव सायला बिशनगढ़ सामने जो है मातेश्वरी देवी का मेन गेट मंदिर इस साइड से यह बस निकलेगी। ये यहाँ से जैसलमेर की दूरी 119 किलोमीटर रामगढ़ की 54 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से ये बस अभी रवाना होने ही वाली है। गौरैयों की संख्या यहाँ पर अधिक दिखाई पड़ रही है। तो हाँ जी हैं क्या आ जाएं? अच्छा आपने बढ़िया गौरैया की सेवा किया है। और क्या नाम है आपका? बाबूलाल। अच्छा बाबूलाल जी कहाँ के हैं? अच्छा ये क्या दे रहे हैं इसमें? बाजरा सुबह शाम केवल बाजरा? अच्छा हाँ पानी भी है नीचे ये और ऊपर ये गौरैया को बाजरा अलग से इन्होंने ये डिवाइस बना रखा है। इधर गिलहरी भी है इस तरह के डिवाइस हैं इसमें से गौरैया यहाँ बैठ जाती है और बैठ करके इस पर बैठ करके एक एक दाना इसमें से बाजरी का निकालती है। इसमें क्या पानी डाल रखा है? अच्छा इसमें भी बाजरा ये पानी के लिए दिया पानी इसमें डालते हैं पानी के लिए और बाजरी खाने के लिए ये इन्होंने पानी की व्यवस्था बढ़िया कर रखा है। और इस प्रकार से आजकल जो जंतु जगत में गौरैया का भी अस्तित्व खतरे में है तो यहाँ गौरैया की संख्या बहुत अधिक दिखाई पड़ रही है क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से रहता है। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से
ये सुविधा प्रोवाइड किया गया है खास करके गौरैयों के लिए। ये फिर थोड़ा सा दूर जब हुए हम तो पुनः एक गौरैया आने लगी, देख रहे हैं।